वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत मज़े में होंगे। फाइनली राज की मसाज हो गई पूरी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया। इतनी अच्छी हुई है कि बंदे के मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, इनफैक्ट हंसी भी नहीं आ रही है, पर मेरे को बड़ा मज़ा आया। तो अब हम चल पड़े हैं अपने होटल की तरफ और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, इतना सुंदर। ये हमारी बालकनी से व्यू दिखता था, हमारी बालकनी मतलब होटल की बालकनी से, और बस आप इस व्यू को एंजॉय करो, बिकॉज़ मैं भी वही कर रही थी। और यहाँ पर हम कॉफ़ी पीते हुए इंजॉय कर रहे थे इस वेदर को, और राज डिस्कस कर रहे थे कि कल मॉर्निंग में हम लोगों ने निकलना है तो क्या प्लान रहेगा, कैसे करेंगे, तो वो भी आपको आगे दिखाएंगे। वैसे हमारा मन तो था कि हम बालकनी में बैठते और इन्जॉय करते जैसे कि हमने बैंकॉक में किया था, पर बाहर गर्मी थी, मतलब रात में भी गर्मी लग रही थी, ठंडा नहीं था मौसम। बैंकॉक में मौसम अच्छा था तो हमने डिसाइड किया कि हम अंदर ही बैठते हैं एसी में और फिर हम इन्जॉय करते हैं। तो मैं तो अपना खा रही थी कॉफ़ी विद केक और राज ने लिया कॉफ़ी विद चिप्स। जनरली राज को चिप्स वगैरह पसंद नहीं है, पर और कोई ऑप्शन नहीं था ना। तो राज का मन हुआ दोबारा वेलकम करने का, तो इनका भी वेलकम ले लो। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम निकल रहे हैं पटाया से और जा रहे हैं बैंकॉक दोबारा। वैसे तो टाइम नहीं है इतना कि दोबारा बैंकॉक एक्सप्लोर करें या बैंकॉक कुछ दिखाएं, बट कोशिश करेंगे क्योंकि जहाँ पे आज का होटल है वो नियर बाय है कुछ अट्रैक्शन से, तो वहाँ पर पहुँचेंगे फिर देखेंगे कितना टाइम बचता है क्या है। और कल की फ़्लाइट है इंडिया की, तो उसके हिसाब से भी मैनेज करना है। बाकी अभी आप यहाँ पे देखिए चिलचिलाती गर्मी है, ये देखिए। ये पटाया बीच है, यू कैन सी यहाँ से देख के ऐसा लगता है जैसे न्यूयॉर्क पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही गए हैं। ये सुबह का नज़ारा है, बताया क्या, हाँ दोपहर ही लगा लीजिए, 12 बजने वाले हैं। और ये मैडम भी आ गई है। हेलो गाइस, हमने चाय नहीं पी है क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे मांगो कुछ और देते कुछ है। हाँ तो बस अब हम निकल रहे हैं, मिलते हैं बैंकॉक पहुँच के। Anything else? कुछ रह गया? No, no, no. ये दो मेरे को। अच्छा, चलो। मैं पकड़ेगा। स्कूल का बच्चा रेडी, रेडी स्टडी तपो। ओ छोटे वाला बैग कुछ। ठीक है। So you are going to take this stroller as well? This suitcase, the cabin bag? Okay, great. चलो जी। Hello madam, phone नहीं रखा है वाला। चलो गाइस, हमारे चैनल को ऐसे प्यार देते रहो भैया, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई, करो कुछ, हमें भी मोटिवेशन मिले। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है ये सब काम करने में। ओके, मिलते हैं।
तो ये जो रेसिंग ट्रैक है ये गो कार्ट का रेसिंग ट्रैक है। सो हमने पहले गो कार्टिंग ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए हमने नहीं की, हमने सिंगापुर में गो कार्टिंग की थी। हेलो कुछ कमियों के साए में आजाद है पंछी बन के उड़ना तो सीखा नहीं शायद गिर के संभलना ही है। चलो जी, तो आज हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट। थोड़े से प्रोटोकॉल्स थे वो फॉलो करने थे, बस उसका वेट कर रहे थे। चलिए जी, सारी एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं पूरी, सब कुछ डन, और अब हम निकल रहे हैं होटल से। तो चलिए हमारे साथ। बाय पटाया। और ये जितनी खुश खुश मैं चल रही हूँ ना, इतनी खुश वैसे मैं थी नहीं, क्योंकि बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा थी जिसके कहने की हद नहीं। फाइनली हम टैक्सी स्टैंड पे पहुँचे और राज ने किसी से पता किया कि हमें जाना है एकमाई स्टेशन। तो हम आ गए हैं टैक्सी स्टेशन पे, जहाँ पे टैक्सीज ट्रैवलर्स वगैरह सब मिलते हैं। तो हम वेट कर रहे थे कि अभी अनाउंसमेंट होगी एकामाई बस स्टेशन की और फिर हम जाएंगे। ये देखिए, तो लीजिए हो गई और अब सब भाग रहे हैं, भागो 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 बस की तरफ। और राज ने मुझे गुस्से में बोला इसे बंद कर दे। तो हमें चार्ज हुआ 180 बाट पर पर्सन, और ट्रैवलर भी बहुत अच्छा था, अभी आपको आगे दिखाती हूँ। एंड मर्सिडीज़ का था वो ट्रैवलर। ये है वो ट्रैवलर मैं जिसकी बात कर रही थी, जिसमें हम जाएंगे बैंकॉक। तो अब मैं आपको मिलूंगी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें आपको पूरी बस की जर्नी दिखाएंगे, हमने क्या खाया वो दिखाऊंगी, और फिर हम बैंकॉक पहुंचेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो यार प्लीज़।